पुणि थरे अक्टोबर डरवाक जाऊँ कि बात्या आसवाक जाऊँ कि गोटे बड़ बात्या तो ये कि अधिक आलोचना करने आम सहित तो रही आंचलिक पापाग केन्द्र निर्देशक रही एचआर विश्वास सीधा सड़क भाव में आलोचना करवा सर स्वागत करुच्ची। सर एक प्रकार से क्लियर हो गया है कि साइक्लोन आने वाला है तो अभी क्या है सिचुएशन और पैनिक क्या कुछ जरूरी है क्या फिर लग रहा है ना अभी ठीक है? हाँ अभी जो है कल साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ अंडमान सी में था मीन्स घूर्णा बलाई तो अभी भी वही लोकेशन में है आज भी और नेक्स्ट 24 आवर्स में मीन्स कल तक ये लघुचाप लो प्रेशर एरिया हमारा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल इस एरिया में होने का चांसेस है और फिर 22nd मॉर्निंग तक ये अवपात व डिप्रेशन में रूप ले सकता है हमारा सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में। फर्दर फिर सब्सिक्वेंटली 48 आवर्स में ये साइक्लोन स्टॉर्म साइक्लोनिक स्टॉर्म में रूप लेने का चांसेस है और इसका सर 24 से 26th टाइम हाँ इस पीरियड में आपका जो ये है अभी हमारा जो ये है फोरकास्ट है इसमें 23rd तक कुछ भी वेदर इसके लिए हमारा उड़ीसा में नहीं है। अभी मेन हम लोग वार्निंग जो सिस्टम का रिगार्डिंग जो साइक्लोन का फॉर्मेशन का रिगार्डिंग जो हम लोग वार्निंग दिया है फिशरमैन का, क्योंकि फिशरमैन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा इफेक्टेड होता है तो फिशरमैन को 22nd से कोवी समुद्र में हमारा मध्य जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल या जो कोवी समुद्र होता है उसमें जाने के लिए मना किया है और 23rd से हमारा कोस्टल एरिया में भी हम लोग जाने के लिए मना किया है। मीन्स जो भी अभी डिप सी एरिया में है उसको 22nd तक कोस्ट में वापस आने के लिए कहा गया है। यही मेन वार्निंग अभी यही है, बाकी अभी हम लोग सिस्टम का रिगार्डिंग वार्निंग कुछ भी जारी नहीं है। नहीं अभी सिस्टम क्योंकि अभी तो लो प्रेशर भी हुआ नहीं है, ये जस्ट साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। लो प्रेशर कल तक फॉर्मेशन होने के बाद और भी क्लियर पिक्चर्स आने के बाद फिर हम लोग वार्निंग देंगे, क्योंकि हम लोग अभी टाइम है टाइम वेट करना पड़ेगा फिर और चांसेस कितना है ये तो आकलन किया जाएगा, फिर भी साइक्लोन का और उनका उसका इंटेंसिटी क्या हो सकता है? नहीं अभी तो हम लोग बुलेटिन में दे दिया है ऑलरेडी जो साइक्लोन होने का तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ही, क्योंकि हमारा इस समय वो साइक्लोन सीजन है और क्लाइमेटोलॉजिकली व फेवरेबल कंडीशंस जो होता है साइक्लोन होने के लिए है तो है ही, साइक्लोन का चांसेस तो है। बट अभी इसका किस तरफ इसका मूवमेंट रहेगा मीन्स किस तरफ गति करेगा और कहाँ आपका इंटेंसिटी के रेनफॉल फॉर ये होगा वो अभी जब तक हमारा ट्रैक फाइनलाइज नहीं होता है ट्रैक नहीं आता है तब तक ये नहीं फाइनलाइज नहीं कर सकता है। ट्रैक तो नहीं हुआ है फिर भी अगर हुआ तो क्या लग रहा है ये कोस्टल उड़ीसा कोस्टल आंध्रा या फिर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के मूवमेंट कैसा रहेगा? नहीं अभी देखिए अभी हमारा जो ये है इसका डाइवर्सिटी है डिफरेंट कोई भी रीजन में जा सकता है तो इसमें इसलिए हम लोग अभी तक जो मेनली लो प्रेशर होने के बाद ही इसका क्लियर आता है तो आप लोग वेट कीजिए इसका हम लोग जैसे जैसे डेली अपडेट दे रहा है इस तरह से अपडेट देंगे। और क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में भी रहता है अक्टूबर क्यों फेवरेबल होता है इन जनरली साइक्लोन के लिए, खास करके उड़ीसा में जब अक्टूबर का महीना आता है तो हर कोई दिमाग में ऐसा रहता है कि इस बार तो साइक्लोन क्या होगा नहीं होगा, तो ये क्या क्या कंडीशन है वेदर का जिसलिए साइक्लोन फॉर्मेशन होने के चांसेस? हाँ साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए हमारा कोई कंडीशंस है कुछ सी कंडीशंस है हमारा इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप देखेंगे तो हमारा क्लाइमेटोलॉजिकली एवरेजिक अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना साइक्लोन सीजन होता है तो ये हमारा उड़ीसा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अक्टूबर नवंबर, दिसंबर में नॉर्मली कम ही होता है तो अक्टूबर नवंबर व दिसंबर मंथ में जो ये है इसमें इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे आपका सी सरफेस टेम्परेचर सी में हमारा जो हीट पोटेंशियल एनर्जी उसका बाद आपका हमारा अपर लेवल में शेयरिंग कंडीशंस लो लेवल शेयर कंडीशंस अपर लेवल डाइवर्जेंस कंडीशंस लो कुछ सिस्टम्स हमारा पीएच एग्जिस्टिंग सिस्टम ये सारा जो कंडीशंस है 5-6 कंडीशंस हमारा साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए होता है वो जो कंडीशंस है इस पीरियड में हमारा इस समय में नॉर्मली क्लाइमेटोलॉजिकली फेवरेबल होता है तो जो ऑन एन एवरेज जो है इसीलिए हम लोग इसको साइक्लोन सीजन भी बोलता है। हमारा बे ऑफ बंगाल एरिया में दो सीजन साइक्लोन सीजन होता है, एक है आपका मार्च अप्रैल में
और है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और उसके मार्च अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ज़्यादा रहते हैं। हमारा टोटल साइक्लोन जो ऑन एन एवरेज 4 to 5 होता है, तो 3 to 4 हमारा बे जो ये है बे ऑफ बंगाल में होता है, और 1 or 2 अरबियन सी में होता है। तो इसमें से फिर हमारा ये में आप पोस्ट मानसून में अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा रहते, तो 2 to 3 ज़्यादा रहते हैं, और ये में आपका 1 or 2 रहते हैं। इस तरह से ये कंडीशंस हमारा फेवरेबल होता है, इसलिए इस पीरियड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सर, और एक सवाल सबके मन में है, जो प्राइवेट वेबसाइट है उन लोग पहले ही बहुत दिन से पहले साइक्लोन का आकलन किए रहे थे, पर IMD थोड़ा पीछे रह गया, या फिर क्या वजह है, या IMD के ऊपर ऑथेंटिक है वो सबको पता है, पर आकलन में कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं? हमारा जो फोरकास्ट सिस्टम है, देखिए हम लोग हमारा 15 डेज का फोरकास्ट देते हैं, तो उस फोरकास्ट में जो इनिशिएशंस जो है आप लोग देखेंगे, हम लोग लास्ट थर्सडे ही बता दिया था जो एक साइक्लोजेनेसिस होने का चांसेस है। बट इसमें ये जो है आपका, आप लोग जो देखते हैं वो भी डिफरेंट न्यूमेरिकल मॉडल का है। कोई भी सेंटर हमारा वर्ल्ड में बहुत सारा सेंटर्स, 4-5 सेंटर्स है साइक्लोन का फोरकास्ट देने के लिए, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सेंटर्स है जो फोरकास्ट देते हैं। अभी ये सिस्टम के लिए, पार्टिकुलर ये सिस्टम के लिए अभी देखेंगे आप कोई भी सेंटर फोरकास्ट नहीं दिया। आप लोग जो देख रहे हैं वो डिफरेंट हमारा न्यूमेरिकल मॉडल जो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, ये एक्चुअली अभी पब्लिकली अवेलेबल है, इसलिए सब लोग देखते हैं। बट इसका आप देखेंगे मॉर्निंग इवनिंग डे या दे, आज अभी एक दिखा रहा है तो दूसरा टाइम और एक दिखा रहा है, आप दिखे होगा, फिर आज जो दिखा रहा है कल वो दिखा रहा है। ये न्यूमेरिकल मॉडल का डिफरेंट ये होता है, ये हम लोग का गाइडेंस के लिए है, ये फोरकास्ट नहीं है। ठीक है, फोरकास्ट व फाइनल फोरकास्ट जो है नहीं, फोरकास्ट मीन्स आपका एक एनालिसिस, उसका एक कोई ऑथेंटिक ये रहेगा, उसका फिर ऑथेंटिसिटी रहेगा, कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड रहेगा। न्यूमेरिकल मॉडल भी आपका, हम नहीं बोल रहे वो फोरकास्ट नहीं है, वो न्यूमेरिकल मॉडल एक फोरकास्ट है, वो गाइडेंस है, वो गाइडेंस के लिए है, वो फाइनल फोरकास्ट नहीं है। ठीक है, और इसका ये जो है इस सभी सेंटर में इस तरह से मॉडल्स का ये देते हैं। और बट फोरकास्ट हमारा आप लोग जानता होगा, जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है, नेशनल हरिकेन सेंटर है, हमारा IMD साइक्लोन वार्निंग फोरकास्ट है, इस तरह से हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी 4-5 जो सेंटर है, इसमें भी जैसा आप देखेंगे तो JTWC अभी भी फोरकास्ट नहीं दिए है, बट हम लोग प्रीजेनेसिस फोरकास्ट भी देते हैं IMD अभी, क्योंकि हमारा बे ऑफ बंगाल छोटा बेसिन है, टाइम कम मिलता है, इसीलिए है। जैसा हमारा साउथ चाइना सी वो बड़ा बेसिन होता है, उसमें उनका टाइम ज़्यादा मिलता है, तो उसमें वो बाद में देते हैं जी। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि आगे अमावस्या है, सूर्य पराग भी है, और ये जो साइक्लोनिंग मैंने सिस्टम दिखा रहा है, तो समुंदर में जो लोग जा रहे हैं, नहा रहे हैं, जो भी कुछ हो, समुंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइड आने वाला है कुछ ऐसे कुछ? हाँ, इसमें तो हमने आपको फिशरमैन वार्निंग मीन्स आपका सी कंडीशंस रैप टू वेरी रैप तो एटलीस्ट रहेगा। ठीक है, तो 23rd से फिर हमारा जो उड़ीसा कोस्ट में जो कोस्टल एरिया जो है, इसमें तो पब्लिक को भी हमारा समुद्र जाने के लिए, तो फिशरमैन के मीन समुद्र के लिए मना है, क्योंकि सी कंडीशन तो आपका जो हमारा तूफान ये जो ये आते हैं वेव जो आते हैं, वेव हाइट तो ज़्यादा रहेगा, राप सी कंडीशन तो राप टू फेरी राप रहेगा, तो सी में आपका वो रेगुलेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिशरमैन का वार्निंग है मीन्स वो तो है ही, वो आपका 23rd से हमारा है, और 22nd से गोभी समुद्र में है, गोभी समुद्र तो पब्लिक तो नहीं जाते हैं, फिशरमैन जाते हैं, पब्लिक के लिए 23rd से तो आपका समुद्र का उसमें तो है। करूँ आमे जमी भाव कि आगामी दिन में स्पष्ट तो हम कि कौ दिग नब बर्तमान बात्यार गतिविधि कौन रु बर्तमान जदि जी सूचना मिलूँ कि समुद्र अशांत रसंता 22 तारीख रु गभर समुद्र को मत्स्यजीवी को नजर लगे बारण कर 23 तारीख पर्यटन जब देखा तो बर्षार संभावना ना कि 24-25 टू उपकूल ओडिशा बर्षार परिमाण बढ़िपे अंपटे जदि देखा आगामी 24 घंटा मध्य बर्तमान लघुचापर रूप नहीं आगामी 48 घंटा भितर यह बात्यार रूप नहीं पारे घूर्णिबल जोड़ा कह अवपात रूप नहीं पारे तेणुकर जी जी आग को जीव बात्यार चित्र से स्पष्ट तार गतिपथे से चित्र स्पष्ट हो पार। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन निर्मल सहित स्वाति जेना ओडिशा रिपोर्टर।